गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही अपना अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसमें आज हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हम ये कहें सेल पोटेंशियल। एट गिवन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो अब तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपल पोटेंशियोमीटर की सहायता से स्टैंडर्ड पोटेंशियल को यूज करके ईएमएफ यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीखा है। आज हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट कंसेंट्रेशन के साथ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी को सॉल्व आउट करने के लिए देखो अगर हम ये देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल क्या करती है, डिपेंड अपॉन, ये हमने पीछे भी पढ़ा था सिंपली कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है, यानी आपने कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड यूज किया है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगी। इसी के साथ डिपेंड करेगा कि आपने जो भी इलेक्ट्रोड यूज की उस इलेक्ट्रोड को कितनी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस में आपने प्लेस किया। यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस होगी वो भी डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी। और दो इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं तो सेल पोटेंशियल, यानी सेकंड वन फैक्टर जो डिसाइड करता है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस सॉल्यूशंस जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड को प्लेस किया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डिसाइड करेगा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थर्ड वन देखो हमने कर दैट इज टेम्परेचर, यानी जो आप इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशंस को हैंडल कर रहे हो उसकी पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो वो कितने टेम्परेचर्स पे कर रहे हो, यानी यहाँ थ्री फैक्टर डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर्स क्या है। इन्हीं को कोरिलेट करके अब हम डिटरमाइन करेंगे कि हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल्स वेरी विद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स। देखो आज हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यानी इन्हीं की हम स्टडी करेंगे, वेरिएशन किसकी वेरिएशन देखेंगे हम, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम ये कहें कि सेल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, इसको हम स्टडी करेंगे किसके अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। जो यूनिट हमने प्लस वन में पढ़ी थी वहां कुछ थर्मोडायनेमिक्स डाटा हमने पढ़े थे, गिब्स एनर्जी है या फिर एंथैल्पी से रिलेटेड यानी टेम्परेचर से रिलेटेड उनका रिलेशन हमने स्टडी आउट किया था, उसी को कोरिलेट करके हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, यानी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हम कहें कि सेल पोटेंशियल किसके साथ, विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकली, हम थर्मोडायनेमिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया था, और थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया तो हमने इसको गिब्स एनर्जी के साथ कोरिलेट किया था, और गिब्स एनर्जी से कैसे कोरिलेट किया था, देखो हम अगर जनरली हम कोई भी रिएक्शंस अपनी कंसीडर कर लेते हैं और उसको थर्मोडायनेमिकली फैक्टर से एक्सप्लेन करेंगे, देखो हमें कोई भी अपनी इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए
हम अपनी एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं कि हाउ थर्मोडायनेमिकली फैक्टर के साथ अपनी पोटेंशियल कैसे वेरी करेगी। तो देखो हम मान लेते हैं, लेट कोई भी रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, अपनी रिएक्शंस क्या है। देखो अगर कोई भी हम ये मान के चले कि ए रिएक्टेंट है वो बी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक्स प्लस वाई बना रहा है। हमने दो रिएक्टेंट कंसीडर कर लिए हैं, दो ही प्रोडक्ट, एक भी रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट और दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जितने भी हम कंसीडर करें। अब देखो हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, हम इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम मींस क्या है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। देखो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो यहां हमने नंबर ऑफ मोल एन वन है, इसके कितने हैं एन टू, या मान ले कि इसके मोल एम वन है इसके मोल कितने हैं एम टू। जैसे हमने इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, यानी बैलेंस इक्वेशन हमने यूज कर लिए। अब बैलेंस इक्वेशंस को हम राइट अप करेंगे किसकी ड्रम में, गिब्स एनर्जी की ड्रम में, जो थर्मोडायनेमिक्सली हमें ऑब्टेन की। यानी अगर हम राइट अप करें, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिकली या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम राइट कर रिलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन टेम्परेचर। तो देखो हम गिब्स एनर्जी की टर्म में इंडिकेट करते हैं, बाकी हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं गिब्स एनर्जी को किससे निकालते हैं, इंडिकेट करते हैं जी से। और गिब्स एनर्जी के साथ अगर हम चेंज करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा जी, यानी कितनी गिब्स एनर्जी चेंज हुई या कितनी गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन हुई। गिब्स एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है कि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली हमने, इसकी कंसंट्रेशन कितने यूज करते हैं, एक्स की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी हम सॉल्यूशन की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, रिएक्टेंट को भी सॉल्यूशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट को भी सॉल्यूशन की फॉर्म में। देखो इसको ध्यान से पढ़ना है हमने, ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, एट लास्ट हम स्टडी कर रहे हैं नर्नस इक्वेशन। अपनी एनसीईआरटी में ये टॉपिक दे रखा है नर्नस इक्वेशंस को, यानी हाउ कैन वी ड्राइव द नर्नस इक्वेशंस। इसके लिए ड्राइव कैसे किया हमने थर्मोडायनेमिक्स ली, तो हम कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि हमने लेट रिएक्शन कंसीडर कर लिया है, यहां पे मान लिया है कोई भी रिएक्शंस ए और बी रिएक्टेंट मिलकर एक्स और वाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया हमने, जो अपने रिएक्टेंट है उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह सॉल्यूशंस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्सली हमें रिलेशन पता है कि गिब्स एनर्जी की रिलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन टेम्परेचर पे क्या रिलेशन होगा हमारे पास, यानी जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होगी तो हम राइट करेंगे कि चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। इसी के साथ हमने यहां स्टडी किया था क्या होगा, 2.303 आरटी, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है हमारा टेम्परेचर। अब इसी के साथ हमने पुट करना है लॉग ऑफ, हम 10 बेस की फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे बेस ऑफ 10, यहां लॉग बेस ऑफ 10 की टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट ये, इसी को राइट अप करेंगे। अब देखो या तो हम एक आपने और ध्यान रखना है, जब भी हम
इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। या तो उसके लिए स्ट्रेक ब्रैकेट यूज करेंगे या इसी के लिए हम एक्टिविटी यूज कर लेते हैं। यानी एक्टिविटी ऑफ सेल क्या होगी? जिसको ए से इंडिकेट कर देते हैं, सिंपली हम ऐसे लिख दे। अब देखो, अगर यहां हम यूज करें तो अपने पास क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, जो आगे संख्या है उसको आपने किस में लेना है, पावर में, इनटू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ वाई और पावर में एम टू। आगे वाली जो संख्या है वो किस में लेनी है हमने, पावर में। इसी तरह से ये हो गया हमारा एरो के बाद वाला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए है ए की पावर एन वन है, बी की पावर आपकी कितनी है, एन टू। तो हमने रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर दी है प्रोडक्ट की। ये हमने थर्मोडायनेमिक से इक्वेशंस मिली थी कि गिव्स एनर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या रिलेशन है एट ए गिवन टेम्परेचर पे। यहाँ टी आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर्स। देखो अगर डेल्टा जी कहें तो ये क्या है, चेंज इन गिव्स एनर्जी, और अगर डेल्टा जी नोट बोले तो ये क्या है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। और इसी के केस में अगर कहें आर हमारे पास क्या है, एक गैस कांस्टेंट की टर्म में है, जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी किसको इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर को, और यहाँ टेम्परेचर रिएक्शन कैरीड आउट कर रहे हैं हम 298 केल्विन पे। तो इन्हीं चीज को कंसीडर करके थर्मोडायनेमिकली इक्वेशन हमारे पास है, इसी को यूज करके हमने नर्नस इक्वेशन ड्राइव करनी है। देखो नोट डाउन कर लेना है आपने, और इसी को भी रेज करके देखो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो हमें इंडिकेशन दे रही है, हमने जो इक्वेशन यहाँ कंसीडर की उसी की फॉर्म में अपने पास एक रिएक्शन मिल गई है। इसी रिएक्शन से हमें पता है रिलेशन ऑफ फ्री एनर्जी विद सेल पोटेंशियल। देखो क्या रिलेशन है हमारे पास, अगर हम लिखें डेल्टा जी किसके बराबर है, एन एफ ई सेल के बराबर, और अगर हम लिखें कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है तो हम ये कंडीशन भी किसमें ले लेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वन मोलर और टेम्परेचर इज गिवन 298 पे, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी हो जाएगी, और सिंपल किसी भी कंसंट्रेशन पे है तो गिव्स एनर्जी। अब देखो ये जो वैल्यू है हम यहाँ दोनों पुट कर देते हैं, यानी जो गिव्स एनर्जी की वैल्यू हमने थर्मोडायनेमिक जो इक्वेशन मिली है उसके अंदर यहाँ पुट कर देते हैं। अगर ये वैल्यू डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। देखो मान ले ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपने पास सेकंड, ये सेकंड वाली वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट कर दे, यानी ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अपने पास क्या वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर इसी के अंदर हम पुट अप कर दे, ये जो अपने पास इक्वेशन थी इस इक्वेशन में यहाँ ये वैल्यू पुट अप करनी है, डेल्टा जी की जगह क्या करें हम, माइनस एन एफ ई सेल। ओके अब डेल्टा जी नोट की जगह क्या पुट कर दे हम, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। बाकी देखो इस टर्म को यूं का यूं राइट कर देते हैं हम, प्लस 2.303 ये अपने पास है आरटी,
आगे क्या है लॉग ऑफ, या हमने क्या पुट की थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहां पुट कर दें हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां इन्हीं की पावर पुट कर देते हैं। देखो इसको बार बार लिखने की बजाय ये जो सारा टर्म है, इस टर्म को मैंने, ये जो पूरा वर्ड है इसको हमने पूरे को इसकी जगह तो पुट कर दिया। देखो ये जो अपना है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर एम वन, वाई की पावर एम टू, अपॉन क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन वन, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन टू, इस पूरे की जगह पुट कर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की पावर लेट पी कर दिया हमने, ये पुट कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, है ना। ये बड़े वाला बार बार ना लिखना पड़े, इसी को सोल्व आउट करते हैं। देखो हम अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, कैसे आ गया ये आपको देखो अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए अभी। अब इसी में अगर इसको सोल्व आउट करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड एनएफ से अगर हम डिवाइड कर दे, इस पूरी संख्या को यहां एनएफ से अगर डिवाइड कर दे हम, देखो यहां भी एनएफ, यहां भी एनएफ, तो इसको भी एनएफ से करना पड़ेगा हमें। अब माइनस से कैंसिल करना है हमने, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास अगर सोल्व आउट करके लिखे तो क्या बनेगी इक्वेशन, ई सेल, देखो ये टर्म बच गई है, इक्वल टू क्या बच गया है ई स्टैंडर्ड सेल, अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और क्या बच गया 2.303 आरटी अपॉन एनएफ एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के आगे बैलेंस इक्वेशन में जो संख्या है वो पावर में ले लेनी है हमने, तो अपने पास ये किसकी टर्म में इक्वेशन बन गई है, सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की टर्म में, किसकी फॉर्म में बन गई है ये, सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, नर्नस इक्वेशंस। इसी को थोड़ा सा और सोल्व आउट कर सकते हैं हम, अगर इस इक्वेशन में हम अगर यहां हम पुट कर दें, ये जो इक्वेशन हमारे पास है यहां वैल्यू पुट कर दें, अब किसके बराबर है 9650 कूलम चार्ज के बराबर फेराडे, आर की वैल्यू पुट कर दें 8.34 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दें 298 केल्विन, क्योंकि ये तीनों टर्म्स क्या है फिक्स है, आर भी टी भी और एफ भी, तुम्हारी इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाएगी और न्यूमेरिकल सोल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा या आसान हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास इसी की फॉर्म में क्या मिल गई हमें, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, देखो इसकी आर और टी से मल्टीप्लाई करेंगे एफ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया है 0.0591 अपॉन एन, क्योंकि किसी भी गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशंस के साथ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन चेंज होंगे तो एन की वैल्यू वेरी करेगी, तो हमने ये एन यही रखना है, और क्या हो जाएगी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की पावर साथ में रखना। ये जो इक्वेशन है इसको हम न्यूमेरिकली यूज करेंगे, और ये इक्वेशंस चाहे जिस फॉर्म में आप याद रखें, ये जो इक्वेशन बन गई है यही इक्वेशन क्या है नर्नस इक्वेशन, ये क्या है दैट इंडिकेट द वेरिएशंस ऑफ सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ सेल पोटेंशियल कैसे वेरी करती है वो हमने याद रखते हैं। देखो वैसे तो सीबीएसई बोर्ड में या कंपटीशन में थ्योरेटिकली लंबा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, तो मेनली आपने सभी ने न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने के लिए अगर टेम्परेचर वेरी कर दिया तब तो हमने ये इक्वेशन भी ध्यान रखनी है, लेकिन अगर गिवन टेम्परेचर पे ही करवा रहे हैं तो हमने ये इक्वेशंस,
यानी यहाँ इम्पोर्टेंस आपकी डबल बढ़ गई है। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, इस इक्वेशन की फॉर्म में हम यूज करके ही सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो आपने याद रखना है यहाँ ये हमें क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ई सेल क्या है आपकी सेल पोटेंशियल किसी भी गिवन कंडीशन पे, ई स्टैंडर्ड क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड की मिलेगी, हमने कैथोड माइनस एनोड करके कैलकुलेट कर लेना है ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल। एन की वैल्यू यहाँ क्या होगी, एन क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, लूज एंड गेन हुए हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहें कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट करेगा आपके एन की वैल्यू। ये कंसंट्रेशन आपको मोलारिटी में न्यूमेरिकल में गिवन मिलती है, तो ये हम कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट अप करेंगे। बैलेंस इक्वेशन के अनुसार कितना इंटीजर है वो किसमें आ जाएगा, पावर में। देखो एक बार करके देखते हैं हम इसको, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब देखो इसी को अगर हम कंसिडर करके देखते हैं वन बाई वन, ये आपने याद रखना है क्या है, ये नर्नस इक्वेशन है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसलिए मैक्सिमम हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। देखो इसी को यूज करके अगर हमसे कहें कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड्स, जैसे सिंपल हमें क्या करना है अभी सोल्व आउट करके देखते हैं कि फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे, सिंगल इलेक्ट्रोड की आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। लेट हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रोड अभी हमारा कौन सा है, एनोड है, और एनोड है दैट मींस क्या करवाना है हमने, ऑक्सीडेशन करवाना है, एनोड है तो क्या करवाना है हमने ऑक्सीडेशन। तो इसी के लिए देखो हम रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, लेट हमारी कोई भी कंसीडर कर ली हमने रिएक्शन कि ऑक्सीडेशन करवा रहे, देखो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोई भी एम मेटल सॉलिड था वो किसके अंदर चेंज हो गया है कैटाइन में, और उसने एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी को हम सोल आउट करेंगे इसकी ट्रम में, देखो अभी इसके ऊपर अभी ये नर्नस इक्वेशन अप्लाई करनी है हमें, देखो ऑन अप्लाइंग नर्नस इक्वेशन इसी के अंदर देखो हमारे पास ये तो दोनों के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, अब ये सेल मान लिए तो अपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी ये रिएक्टेंट, इसी के केस में अगर हम पुट अप करें यानी ये हो जाएगी हमारे पास पोटेंशियल ऑफ एनोड, यहां क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू मिल जाती है, यहां पुट कर देते हैं देखो अपनी वैल्यू यू के यू कितनी हो जाएगी माइनस 0.0591। अब एन की वैल्यू कितनी है, एन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने पुट करना है एमन अपॉन क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारे पास सॉलिड। यहां देखो एक चीज और ध्यान रखनी है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड अगर प्योर स्टेट में है तो हमने कितनी माननी है, वन यूनिटी मान लेनी है। तो इसको यहां क्या करेंगे हम सोल्व आउट करें अगर, तो इसी नर्नस इक्वेशन से देखो हमें क्या मिल गई, अभी यू की यू इसी में पुट किया हमने, अब यहां सोल आउट होके अपने पास क्या आ जाएगा अभी ई स्टैंडर्ड एनोड माइनस 0.059 एन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एम एन आई किसके बराबर हो गया, ये पोटेंशियल ऑफ एनोड।
तो हम देखो किसी भी सिंगल दे रखा है, अगर हमें एनोड की कंसंट्रेशन गिवन है जिसमें प्लेस्ड है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें मिलेगी, तो उसी से रिलेटेड हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्म में आप एनोड की जगह कैथोड की भी कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी सेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपनी डेनियल सेल के लिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सेल पोटेंशियल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हमने फाइंड आउट करना है सेल पोटेंशियल फॉर, अगर हम डेनियल सेल्स की बात करें तो हमने डेनियल सेल के लिए कैसे फाइंड आउट करना है। डेनियल सेल का मीनिंग अपनी रिएक्शंस कौन सी थी गैल्वेनिक सेल में, यानी जिंक सॉलिड को अगर हमने कॉपर सल्फेट के साथ प्लेस्ड किया तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट एक्वस, और यहाँ से क्या निकल गया है, कॉपर सॉलिड। अगर इसी को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की फॉर्म में लिखें तो अपने पास क्या रिप्रेजेंटेशन होगी थी, यानी इसी को ये भी राइट कर सकते हैं हम, जिंक सॉलिड सिंगल लाइन, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन पैरेलल लाइन साल्ट ब्रिज के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन सिंगल लाइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बाद इलेक्ट्रोड। अब इसी के कैसे हमारे पास एनोड भी है और कैथोड भी है, इन्हीं के लिए हम देखो दोनों की पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये तो अपने पास पूरा प्रोसेस कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे लिए, रिडक्शन। यानी क्या वैल्यू हो जाएगी अभी हमारे पास, यानी जैसे ही जिंक से किस में चेंज हो रहा है, Zn प्लस टू में बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन, या क्या कंडीशन है कि कॉपर प्लस टू आयन टू इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में। जैसे अभी हमने सिंगल सेल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा था, यहां भी निकाल सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ड्रम में निकालें या दोनों को रिडक्शन की ड्रम में कन्वर्ट कर लें, हैज यू विश, है ना। जैसे सिंपली हम करके देखते हैं, जैसे हम कहें कि पोटेंशियल एट जिंक, आज फर्स्ट केस में निकालते हैं पोटेंशियल एट जिंक इलेक्ट्रोड। अगर जिंक इलेक्ट्रोड पे कितनी पोटेंशियल जनरेट हो रही है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन की ड्रम में निकाल लेते हैं कि यहां अपना ई जो ऑक्सीडेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन माइनस, देखो नर्नस इक्वेशन जो अभी हमने सोल्व आउट की थी उसी को यूज करके हम आगे सोल्व आउट कर रहे हैं, और अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0.059। लिखो कितने एन की वैल्यू है, टू इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं, चाहे टू यहां पुट कर ले चाहे हम एन पुट कर लेते हैं, और क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की हम यूनिटी मानते हैं क्योंकि ये किस फॉर्म में, अभी सॉलिड में, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 आयंस। ये अपने पास क्या होगी, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इसी केस में हम फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यानी पोटेंशियल एट कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन की टर्म में देखो राइट अप करते हैं हम, यहां जो अपनी हो जाएगी E रिडक्शन इक्वल टू E स्टैंडर्ड रिडक्शन, अगर यहां पुट करें हम माइनस 0.0591। देखो यहां भी N की वैल्यू 2 है, एक बार N ही पुट कर लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट यूनिटी है, रिएक्टेंट की अपने पास क्या है, Cu+2। अब इसको हम इसी की ड्रम में लाने के लिए ये भी राइट अप कर सकते हैं, देखो E जो रिडक्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, E स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.0591 n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन।
अब देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गई है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट कर ली हमने, कॉपर की पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेनी है। अब हमने फाइंड आउट करना है सेल पोटेंशियल। अगर ई सेल फाइंड आउट करना है हमने तो क्या करेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल अगर दोनों को सम अप कर दें तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी देखो, और वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अभी इन दोनों की वैल्यू हमने सम अप करके यहाँ पुट करनी है, और अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी अभी, अब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को अगर सम अप करके हम पुट करेंगे तो अपने पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ई सेल की वैल्यू क्या होगी देखो, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये वैल्यू अगर अपने पास है तो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन में पुट अप कर रहे हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई है देखो, दोनों को सम अप करेंगे तो ये तो आपका सम अप होके ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड, तो यहाँ राइट कर देते हैं ई स्टैंडर्ड सेल। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस को अगर यहाँ कंसीडर करें तो अपने पास हो गया है 0.059 अपॉन एन एन लॉग। देखो हम प्लस कर रहे थे, इसको माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। देखो ये इक्वेशन बन गई अपने नर्नस इक्वेशन के लिए, हम सोल्व आउट कर सकते हैं अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन और अगर यहाँ कंसंट्रेशन जिंक आयन की गिवन है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो हम इस इक्वेशन से पुट अप कर सकते हैं ये एन की वैल्यू हमें क्या होगी, यहाँ अपनी नर्नस इक्वेशन में एन की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि यहाँ जिंक क्या कर रहा है जेड एन प्लस 2 में जा रहा है बाई लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कॉपर क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में, यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, दैट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पुट करें हम 2। अगर यहाँ आपको इस गिवन इक्वेशन में जैसे यहाँ जिंक था, अगर कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है तो हम कंसंट्रेशन यहाँ जिंक और कॉपर की जगह पुट करके इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इसी को यूज करके देखो हमने थोड़ा सा एक लॉग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको भी सोल्व करना आना चाहिए हमें, इस मैथमेटिकली ऑपरेटर्स जो हमें हैं लॉग को सोल्व करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसको हम इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले किसी भी इक्वेशन को इसकी फॉर्म में राइट अप करना आना चाहिए। अब सिंपली अगर हम बात करें एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, लोग क्या है एक मैथमेटिकली ऑपरेटर है आपका, यानी एक वे मैथमेटिकली जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हम करते हैं, सोल्व कैसे करना है जब किसी भी टर्म का आपने लॉग सोल्व करना है लेट हमें m इंटू n दे रखा है तो आप कैसे राइट अप करेंगे लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। अगर कोई भी वैल्यू आपको ये दे रखी है m बाई n तो लॉग कैसे सोल्व कर लेंगे लॉग m माइनस लॉग n, एक तो इस फॉर्म में हमें पता होना चाहिए, एक आपको ये दे दिया हो लॉग m की पावर n दे रखी है तो जो पावर है उसको हमने आगे ले लेना है मल्टीपल में और क्या हो जाएगा n इंटू लॉग ऑफ m। अब देखो ये जो डिफरेंट टर्म्स है इनको हमने सोल्व आउट कर लेना है, ये जो हम ये कहें जी अब लॉग को कैसे सोल्व आउट करें, लॉग के लिए हमें पूरी टेबल मिलती है उस टेबल में हम लॉग की वैल्यू देख लेते हैं, और किसी न्यूमेरिकल में अगर आपने पुट करनी है तो लॉग की वैल्यू हमें क्या होगी गिवन मिलेगी। जनरली कुछ हम याद रख लेते हैं जैसे लॉग ऑफ 10 है उसकी वैल्यू 1 है, लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, तो इस तरह से कुछ लॉग की वैल्यू हम याद रखेंगे और बाकी लॉग की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो देखो हम इजीली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं,
इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे हम, और किसी भी सेल के लिए हम उसकी वैल्यू शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने अपनी कॉपी कर लेना है अपनी स्पेयर कॉपी में, और जब भी वीडियो देखते हो अपने पेन कॉपी लेके बैठना है और उसको साथ के साथ राइट करना है। इसी के ऊपर कुछ लोग को यूज करते हुए हम कल न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, दैट मीन्स अपने अगले वीडियो में।